देश में लोकसभा चुनाव जारी है, पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। हम लगातार अपनी पोल रिपोर्ट्स में आपको देश की उन खास लोकसभा सीटों से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं जहां चुनावी मुकाबला टक्कर का है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं सारण लोकसभा सीट की, जहां से वर्तमान सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूड़ी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच कांटे की टक्कर है। सबसे पहले बात करते हैं सारण सीट के चुनावी इतिहास की। सारण सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। लालू प्रसाद यादव ने सारण से साल 1977, 1979, 1989, 2004 और 2009 में जीत हासिल की और चार बार सांसद बने। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूड़ी ने भी साल 1996, 1999, 2014 और 2019 यानी कुल चार बार जीत हासिल की थी। सारण में वोटिंग डे की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बारी बारी से 7 चरण में चुनाव होंगे। सारण में पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आएंगे और ये तस्वीर साफ होगी कि सारण की जनता ने क्या एक बार फिर लालू के नाम पे वोट किया है या उन्होंने बीजेपी को ही अपना नया उम्मीदवार चुना है।